तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ना पैटर्न बेस्ड आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है कि भाई एन जो है ना उसमें इतने सारे नाइन है, कितने नाइन है वैसे अगर मैं ये काउंट करूँ तो, इतना बड़ा नंबर है जिसमें 12 नाइन है, ठीक है। कह रहे जब इस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा, क्या बोला, तो उसमें कितने नाइन होंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स काम करेंगी आपकी प्यारे बच्चों। 99 का जो स्क्वायर होता है ना वो 9801 होता है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, इसमें मैंने ना 9 वाली एक ट्रिक भी बना रखी है, उसको रिकॉर्ड भी कर रखा है। मैं ट्रिक का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि सर कितने 9 है, 2 9 है, 99 है। तो पहले तो आपने सोचना है 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81। कितने 9 है, 2, जितने 9 है उससे एक कम डैश इधर लगाना है, इधर लगाना है। इस वाले डैश में एक कम मतलब 0 आएगा, इस वाले डैश में इससे एक ज्यादा मतलब 9 आएगा। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। अभी समझ नहीं आएगा तो दो एग्जांपल और लूंगा बच्चों। ट्रिपल लाइन का स्क्वायर बोलूं तो पहले तो माइंड में सोच लेना 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81। लिख लिया, ट्रिक ये कहती है भाई 2 डैश इधर 2 डैश इधर। क्यों 2 डैश, क्योंकि ट्रिपल लाइन में कितने 9 है, 30, एक कम कर दो तो 2 डैश इधर 2 डैश इधर। इधर 1 में से एक माइनस किया तो 0 और 0 भर देना, और यहाँ पे 8 में 1 ऐड करो तो 9 9। ये बहुत काम किया, बहुत सारे एग्जाम्स में यूज होती है ट्रिक। अब मेरे को इसी लॉजिक से बताओ, 9999 तो 9 का स्क्वायर 81, तो 000 यहाँ आएगा, 999 यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखो अगर 99 का स्क्वायर है तो कितने 9 आ रहे हैं, 1, 2 9 है तो 1 9 आ रहा है, 3 9 है फिर स्क्वायर है तो 2 9 आ रहे हैं आंसर में, 4 9 है तो, आप समझ गए। हाँ अब ये जो नंबर है बच्चों इसमें 12 9 है, इसमें बच्चों क्या है, तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो जो आंसर होगा उसमें कितने नाइन्स होंगे बच्चों, 11। वो आंसर आप निकाल भी सकते हो, ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर इज 11, आंसर इज। तो ये कितने बच्चों के ट्रिक समझ आ गई, जो लेट आए हैं मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया बच्चों आपके लिए।